गुरु कहते हैं उसको महाराज जी जो 24 तास होश में रहे, 24 घंटे होश में रहे। गुरु की सेवा सिर्फ चातुर्मास में नहीं होती है, गुरु की सेवा सिर्फ कथा में नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में कुछ कुछ मेडिकल की दुकानें होती है, उससे लिखा रहता है 24 घंटे, हाँ जो भी, कुछ कुछ अस्पताल भी होते हैं उसमें लिखा रहता है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। गुरु वो है महाराज जो 24 घंटे होश में है, गुरु की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। तो गुरु क्या काम करता है, ऐसे मौके पर हम कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। हमें इतना हमें ध्यान नहीं रहता कि ये शुभ प्रसंग जिनकी कृपा अनुग्रह से आया है उनके प्रति हम खाली अपनी दक्षिणा से नहीं मतलब है, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। गुरु की ड्यूटी होती है महाराज जी, गुरु अपने को, मैं हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बोलने का अधिकार नहीं रखता लेकिन फिर भी थोड़ी कर लेता, वो तो छोटे हमेशा छोटे ही होते हैं, पर कोई मौका आता तो वो भी अपना निकाल निकाल। सिर्फ महाराज शिष्य की पूजा प्राप्त, शिष्य से पूजा प्राप्त करना, भेंट प्राप्त करना है कोई काम। एक शादी में महाराज जी हम गए थे, तो शादी में दूल्हे के साथ उनके घर के गुरु जी आए थे, कोई पंडित जी थे, वो उनके गुरु जी थे। महाराज उन्होंने शादी में कम से कम 50 बार उस दूल्हे से समय समय पर कभी अमुक भगवान को प्रणाम करवाया, कभी उसको प्रणाम करवाया, उसको प्रणाम करवाया। ऐसा ये सच्ची घटना है। तो उनको पंडित जी को पूछा कि पंडित जी शादी में इतने देवताओं को हाथ क्यों जुड़वा रहे, बोले इस समय इतने देवताओं को हाथ जोड़ेगा तो आगे सूखी रहेगा, नहीं तो बाद में एक ही देवी को हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये तो विनोद की बात है, मेरी जोड़ी नहीं है धीरे धीरे, लेकिन पहले वाली बात एक